वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। आई होप आप सभी अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो मैं अभी निकल चुकी हूँ अपने घर से और मैं आज जा रही हूँ घूमने इस्कॉन टेम्पल जो बेंगलोर में है। और बेंगलोर मैं घूमने आई हूँ तो मैं कुछ जगह देखने वाली हूँ, घूमने वाली हूँ, तो आप सबके साथ शेयर करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं इस्कॉन टेम्पल से। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इस्कॉन टेम्पल और ये है हमारा मेन एंट्रेंस। यहाँ से आपको कुछ नहीं, बस सीधा जाना पड़ता है, फिर आपको यहाँ पे टैप मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे हाथ अच्छे से धो लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंट्स और लेडीज़ का चेकिंग मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे आपका चेकिंग होगा। उसके बाद आपको ऐसे सीधा सा रास्ता मिलेगा और फिर आपको एक सीढ़ी मिलेगा। वहाँ पे आपको बहुत सारा लाइन मिलेगा, तो आप कोई भी एक लाइन पे चले जाना। और शायद से वहाँ पे वीआईपी का भी रहता है कि आप वीआईपी वाले से जा सकते हो, अगर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है तो उसमें पे करना पड़ता है, वरना आप जनरल से भी जा सकते हो। फिर आपको ना एक फ़ूड काउंटर मिलेगा और वहाँ पर पेयर का आपका ₹5 लेते हैं, तो आप ना यहाँ पे चेंज अपने साथ रख लेना, तो आपको बहुत काम आने वाला है यहाँ पे चेंज अगर आप अपने साथ रखोगे। उसके बाद आप क्या करना, ₹5 देना और आपको ना वहाँ पे एक टोकन मिलेगा। उस टोकन को आपको अच्छे से संभाल के रखना होता है, जिसे देख के आप वापस से अपना जो भी शूज़ है वो ले सकते हो। और फिर यहाँ पे आप टोकन के बाद आपको एक बैग मिलेगा, तो उस बैग में जितना भी आपका जो फुटवेयर है वो सब आपको डालना है, उसके बाद उसे आपको दे देना है, ठीक है ना। और उस टोकन को अच्छे से आपको रखना है। फिर आपको वहाँ पे भी एक ना टैप मिल जाएगा, तो आप शूज़ रखने के बाद भी हाथ अच्छे से अपना धो सकते हो, तो आपके शूज़ के लिए अच्छा सा सेफ्टी रहता है कि आप पे करके आराम से अपने शूज़ वगैरह को रख सकते हो। फिर यहाँ से आपको रास्ता मिलने वाला है जिसके आसपास आपको सिर्फ प्लांट दिखेगा, इतना ग्रीनरी होता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होने वाला है और आपको लगेगा कि हाँ अब तो मुझे कृष्ण का दर्शन होने वाला है। बट ये रास्ता ना आपको बहुत ज़्यादा लंबा लगने वाला है। आपको यहाँ पर दो फीलिंग आएगा, एक तो ये कि आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, दूसरा ये कि आपको लगेगा कि ये रास्ता कितना लंबा है, कि कब ख़त्म होगा और मुझे कब कृष्ण दिखाई देंगे। बट इतना जल्दी आपको कृष्ण का दर्शन नहीं होने वाला, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे कृष्ण का दर्शन होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना क्राउड है और यहाँ से ही आपका सीढ़ी स्टार्ट होता है। तो जब भी आप एक सीढ़ी पे पाँव रखोगे तो हरे कृष्ण बोलना। टोटल 108 सीढ़ी है, तो हर सीढ़ी पे जब भी पाँव रखना है तो आपको हरे कृष्ण का मंत्र बोलते हुए जाना है। तो अभी हम लोग थोड़े से अंदर आ चुके थे और फिर आपको ऐसे यहाँ से सीधा जाना होता है। और फिर यहाँ पे ना आपको एक भगवान जी दिखेंगे। कौन से भगवान जी थे मैं उतने अच्छे से देख नहीं पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था और तुरंत गई और तुरंत ही निकलना पड़ा। और आप देख सकते हो कि अभी हम लोग कितना चल के आए हैं, जो आप पीछे देख रहे हो ना उतने दूर से अभी हम लोग आए हैं, और सामने जो आपको दिख रहा है ना बस उतना ही आपको चलना है, उसके बाद आपको कृष्ण दिखाई देंगे। और दर्शन करने के बाद आप नीचे आ जाओ, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा आपको दर्शन करने के बाद। और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा प्रसाद मिल जाता है, जो आप अपने घर के लिए ले जा सकते हो। और साथ में आपको यहाँ पे नीचे पे ना बहुत सारा स्टॉल्स आपको दिख जाएंगे, जो अलग अलग टाइप की चीज़ें आप रखते हैं, तो आप यहाँ पे आपको फ्रेम मिल जाएगा, बच्चों के लिए आपको यहाँ पे ना बुक भी मिल जाता है, कलर बुक, आपको यहाँ पे मूर्ति मिल जाता है अलग अलग टाइप का। मतलब आप यहाँ से बहुत सारे चीज़ें लेके जा सकते हो, खरीद सकते हो अपने घर के लिए, किसी को गिफ्ट करने के लिए।
और आपको यहाँ पे ना राधे कृष्ण का मूर्ति मिल जाएगा। आपको हर स्टॉल पे ऐसे अलग अलग टाइप का ना राधे कृष्ण का मूर्ति मिल जाएगा, तो आप ये भी यहाँ से ले सकते हो। और फिर आपको यहाँ पे जूट का आपको यहाँ पे हैंडबैग भी मिल जाता है, तो आप वो सब भी ले सकते हो। बहुत सारे चीज़ें रहते हैं, मैं उतना रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो आप देखना वहाँ पर जाना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। इन सब के अलावा आपको नीचे वैरायटी ऑफ फूड मिलने वाला है जो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है, और आप इसे ट्राई कर सकते हो। और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था, मैंने ट्राई किया था। आपको इतना ही नहीं, आपको डेजर्ट भी मिलेगा, और उसमें भी आपको बहुत ही अच्छा अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको जलेबी मिलेगा, और यहाँ पे ना मैंगो रसगुल्ला था और शेक था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था ये रसगुल्ला, तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करना और शेक भी। और फिर आपको यहाँ पे मिलने वाला है फ्री प्रसादम काउंटर, तो यहाँ पे आपको जाना है। और फिर आपको यहाँ पे ना भोग मिलता है, और भोग में आपको यहाँ पे खिचड़ी मिलेगा, और भोग का खिचड़ी का जो स्वाद होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसके लिए आपको लाइन लगाना होता है, और फिर आपको जो है लाइन से आगे बढ़ना है, और आपको यहाँ पे भोग लग मिलेगा। तो मैंने भी यहाँ पे लिया और उसके बाद इसे खाया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, टेस्टी था। प्रसाद खाने के बाद हम लोग बाहर की तरफ आ गए, और यहीं मैं अपना वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बेंगलोर में रहते हो या आसपास कहीं भी रहते हो तो ज़रूर से इस्कॉन टेम्पल जाओ, आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून फील होने वाला है।